विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़े मामलों की सरगर्मी से जांच की जा रही है और इसी कड़ी में एक गाड़ी को कस्टडी में लिया गया है। बताया जा रहा है इसी गाड़ी से आरोपी विकास दुबे उत्तर प्रदेश से उज्जैन आया था और मामले की जांच कर रहे सीएसपी ने जूता स्टैंड से चप्पल भी जब्त की है। टिकट काउंटर से एक बैग भी मिला है और जिसकी तलाशी ली जा रही है। अभी ये जो मोस्ट वांटेड है विकास दुबे, ये पकड़ा गया है। तो वो मंदिर दर्शन करने आया था और मंदिर दर्शन करने के बाद वो गया है, तो वो मंदिर कैसे पहुंचा, किस रास्ते से मंदिर से गुजरा, तो उन्हीं रास्तों की जांच की जा रही है। इसके डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और एहतियातन पूरी उसके चेकिंग की जा रही है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। क्या क्या जाँच की जा रही है, क्या क्या जाती है? अभी कुछ नहीं, अभी जहाँ उसके सैंडल पड़ी हुई मिली थी, जो उसने जब वो रखी थी वो सैंडल मिली है, बाकी आपके सामने रूट का भ्रमण चल रहा है, देख रहे हैं और जांच की जा रही है। कुछ मिलेगा तो जब्त कर लेंगे, वो तो अभी वो उससे पूछताछ की जा रही है, वो जैसे स्पष्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। नहीं, वो हिरासत में नहीं लिया, वो जनरल पूछताछ के लिए लोगों को लाया गया है और वो जाँच का विषय है, जाँच के बाद आपको सब स्पष्ट कर दिया जाएगा। कानपुर के कुख्यात आरोपी विकास दुबे